फिर्रे रानीबाग के निवासियों, दिल्ली के और भारत के समस्त निवासियों को सशक्त नमन। साथियों, आज हम सबसे पहले रानीबाग के क्षेत्र के राजनीतिक प्रतिनिधि से को संबोधित करूंगा। आदरणीय श्री जय भगवान अग्रवाल जी, आदरणीय श्री सुरेश नागपाल जी, आदरणीय मिथिलेश पाठक जी, आदरणीय दीपिका देशवाल जी, पूर्व एसीबी राकेश शर्मा जी, मंजीत सिंह जी और ऐसे कई पुलिस अधिकारियों के और आरडब्ल्यू एनजीओ से मैं आज संबोधित करूँगा, खास तौर से प्रॉपर्टी डीलर भाइयों से। पूरा हमारे एमसीडी वार्ड नंबर थाना रानीबाग क्षेत्र में कई वार्ड आते हैं एमसीडी के। मैं चाहूँगा कि थाना रानीबाग क्षेत्र एमसीडी वार्ड नंबर 7 से मौजूद जितने भी प्रॉपर्टी डीलर भाई हैं, जितने दुकानदार हैं, उन सब से हाथ जोड़ के अपील है और इन जनप्रतिनिधियों से कि जनता से अपील करें, प्रार्थना करें राष्ट्रहित के अंदर। ये अपील राष्ट्रहित के अंदर है कि आपके क्षेत्र में जितने भी काम करने वाले एम्प्लॉइज़ हैं और जितने भी किराएदार हैं, टेनेंट हैं, उन सब का पुलिस वेरिफिकेशन कराएं। अगर इसमें अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो आप हमारे को उसकी डिटेल व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम वही जो डिटेल्स आपके आएगी तुरंत संबंधित हमारा रानीबाग का थाना और उनके जो ये 8 क्षेत्रों बटे हुए बीट अधिकारी को फॉरवर्ड कर देंगे ताकि वो उसके ऊपर जल्द से जल्द जो है उसका पूरा रिकॉर्ड जो है मेंटेन कर सके। क्योंकि तो इसके ऊपर एक 188 की आईपीसी के अंदर एक एफआईआर भी दर्ज होती है। समय समय पर एसीपी मंगोलपुरी द्वारा इसकी नोटिफिकेशन भी निकालती है। संबंधित सभी थानों के जो एसीपी होते हैं वो उसकी नोटिफिकेशन भी निकालते हैं, उसके वायलेशन में 188 आईपीसी की एफआईआर कटती है, जिससे न्यायालय का टाइम खराब होता है, डीएलएससी का पैसे बर्बाद होता है और प्ली बार्गेनिंग के अंदर इसमें लोग पुलिस जो है गिल्टी करवा देती है। मैं चाहूँगा कि रानीबाग क्षेत्र को, थाने को और एमसीडी नंबर वार्ड नंबर 60 को सभी लोग प्रयास करें, क्योंकि अभी फेस्टिव सीजन है और आप रोज़ सुन ही रहे हो कि हमारे देश में लगातार अड़ोसी पड़ोसी चारों तरफ से लोग यहाँ पे अराजकता अशांति फैलाने के लिए प्रयास करते रहे हैं, साजिशें रचते रहे हैं और इससे बहुत बड़े स्तर के अंदर चोरियों में, मोबाइल स्नैचिंग में और ये जो आप देखते हो सेंधमारी की घटनाएँ होती हैं, स्कूटी चोरी होती है और चैन छीन जाती हैं, इन सब के अंदर कमी आएगी। क्योंकि अगर क्षेत्र में घूमने वाला हर वेंडर, टेनेंट, सर्वेंट वेरीफाइड होगा, पुलिस का रिकॉर्ड उसका मेंटेन होगा, तो उसको सीसीटीवी के माध्यम से, अन्य माध्यमों से ढूंढने में, ट्रैक करने में पुलिस को आसानी होगी। और सभी पुलिस बीट अधिकारियों से भी, रानीबाग के और सचों से भी ये अपील है, आईसीपी मंगोलपुरी और डीसीपी आउटर डिस्ट्रिक्ट से, वो भी ये प्रयास करें कि अपनी तरफ से इसके जो सर्कुलर है आम जनता डीलरों तक पहुँचाएँ, ताकि इसके ऊपर जो मेन पर्पस है ये आसान हो सके। क्योंकि कई हज़ार आदमी रानीबाग थाने क्षेत्र में अलग अलग जगह से एंट्री एग्जिट करते हैं रोज, तो ये बहुत जरूरी है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, जस्टिस क्रांति जिंदाबाद।